यूपी के अमेठी जिले में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर 45 वर्षीय अधेड़ का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। अधेड़ युवक की पहचान प्रवासी मजदूर के रूप में हुई है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। लचर पुलिसिंग व्यवस्था के चलते जिले में लूट, हत्या, छिनौती की घटनाओं में बाढ़ आ गई है। अभी संग्रामपुर थाने के पास मिले शव की गुत्थी पुलिस सुलझाने में व्यस्त थी कि एक और शव अमेठी थाना क्षेत्र के थौरा गांव के समीप मालती नदी में मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त एक प्रवासी मजदूर के रूप में हुई है। मृतक व्यक्ति ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अमेठी से नाव 44 के लिए शुभम बर्नवाल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज